नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। पीछे हमें आंखों ने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आपको चित्र बनाना पसंद है? आप में से ज्यादातर लोगों को यह पसंद है ना? तो क्या हम आज की क्लास कुछ चित्र बनाकर शुरू करें? अब आपको पांच पांच लोगों के समूह बनाकर बैठना है। हर एक समूह को कुछ कागज के पन्ने और पेंसिलें दी जाएंगी। समूह के सभी लोगों को एक एक चित्र बनाना है और इसके लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। आपको केवल उसी सामग्री का इस्तेमाल करना है जो आपको दी गई है। आपको और कागज या पेंसिलें नहीं मिलेंगी, ना ही आप खुद की पेंसिल या कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? समय समाप्त। कृपया अपनी पेंसिलें नीचे रख दीजिए। कितने समूह ये कार्य पूरा नहीं कर सके? हर एक समूह को 5 पन्ने और पेंसिलें नहीं दिए गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक व्यक्ति के पास पेंसिल और कागज नहीं थे। आप क्या कर सकते थे जिससे कि सबको चित्र बनाने का मौका मिलता? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम इनमें से कुछ बातों के बारे में चर्चा करें? जिन्हें सबसे पहले कागज और पेंसिल मिले, उन्हें दूसरों को चित्र बनाने का मौका देना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए थी। अगर आपने ये किया होता तो समूह के सभी लोगों को चित्र बनाने का मौका मिलता और आप सबको अपना कार्य पूरा करके खुशी मिलती। कुछ लोगों को मौका क्यों नहीं मिला? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दूसरों ने चित्र बनाने का मौका गंवा दिया? बहुत उत्साहित होने के कारण आप में से कुछ लोग कागज और पेंसिल मिलते ही चित्र बनाने लग गए। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सबके पास कागज और पेंसिलें नहीं थे। कुछ लोग अपनी चित्रकला का कौशल दिखाने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने अपनी चीजें किसी के साथ नहीं बांटी और मांगने पर भी देने से इनकार किया। इस वजह से सभी लोगों को चित्र बनाने का मौका नहीं मिला। अगर हर समूह के लोग कुछ सेकंड के लिए रुककर ये देखते कि कितनी पेंसिलें और कागज हैं, तो वे ठीक से सोच पाते कि किस तरह से सबको मौका दिया जा सकता है। यह कैसे किया जा सकता था? आप कागजों के आधे आधे हिस्से करके सब में बांट सकते थे। आप में से 2 लोग मिलकर एक कागज पर अलग अलग चित्र बना सकते थे, या फिर 2-3 लोग मिलकर एक ही कागज पर छोटे छोटे चित्र बना सकते थे और फिर अपने बाकी साथियों को चित्र बनाने के लिए कागज और पेंसिलें दे सकते थे। ऐसा करने से आपका काम 5 मिनट में पूरा हो सकता था। किसी के साथ कुछ बांटने का मतलब है स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज में से हिस्सा देना। आइए इसे दोहराएं।
किसी के साथ कुछ बांटने का मतलब है स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज में से हिस्सा देना। हमने समझा कि बांटने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चीज हो तो उसे स्वेच्छा से किसी के साथ बांटने से संतुष्टि मिलती है ना? बिल्कुल सही बात है। चित्र बनाने के कार्यकलाप से हमें यह पता चला कि हम दूसरों के साथ अपनी चीजें और मौके बांट सकते हैं। इस गीत के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम दूसरों के साथ अपनी कौन सी चीजें बांट सकते हैं। खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय पर रख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय पर रख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे विचार चमकते रहे रीति रिवाज अच्छी तरह नाच गाना खुशी से मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे विचार चमकते रहे रीति रिवाज अच्छी तरह नाच गाना खुशी से मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप सबको गीत गाकर बहुत मजा आया होगा। ये गीत हमें क्या संदेश देता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि हम दूसरों के साथ ये चीजें बांट सकते हैं, अपना खाना, अपनी वस्तुएं, अपना समय, अपना ज्ञान, अपने अधिकार और सुविधाएं, अपने अवसर और मौके। जब हम खुशी से अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और हमारे आसपास खुशी का वातावरण बन जाता है। इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ऐसा करने से समाज में भी अच्छी भावना पैदा होती है। अगर हम सच्चे मन से दूसरों का ध्यान रखें और उनके साथ अपनी चीजें बांटें तो इससे हमें बहुत संतुष्टि मिल सकती है। मेरी शुभकामना है कि आप जीवन में सबका ध्यान रखें, उनके साथ अपनी चीजें बांटें और इससे खुशी प्राप्त करें। अपना खाना, वस्तुएं, अधिकार, सुविधाएं, भावनाएं, समय, ज्ञान और अवसर दूसरों के साथ बांटने से अच्छे रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। इससे लोगों में अच्छाई और दया की भावना जागती है। वे सकारात्मक बातें सोचते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। साथ मिलकर कहिए, अपना खाना,
वस्तुएं, अधिकार, सुविधाएं, भावनाएं, समय, ज्ञान और अवसर दूसरों के साथ बांटने से अच्छे रिश्तों को बढ़ावा मिलता है। इससे लोगों में अच्छाई और दया की भावना जागती है। वे सकारात्मक बातें सोचते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। तो अब हम इन सब बातों के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपना खाना दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। क्या हम एक अभिनय के द्वारा इसके बारे में जानें? आप एक लड्डू खा रहे हैं और आपके दूसरे हाथ में और दो लड्डू हैं। तभी आपका एक पड़ोसी वहां आता है। आप क्या करेंगे? क्या आप एक, दूसरे लड्डू को छुपाने की कोशिश करेंगे? दो, आप ऐसे जताएंगे कि आपने उस पड़ोसी को देखा ही नहीं। तीन, लड्डू खाते खाते उसके साथ बातें करेंगे। चार, उस पड़ोसी के साथ लड्डू बांट कर खाएंगे। क्या आप में से कोई दो छात्र आगे आकर लड्डू खाने वाले व्यक्ति और उस पड़ोसी का किरदार निभा सकते हैं? आपको इन चारों परिस्थितियों का अभिनय करके दिखाना है। सभी परिस्थितियों का अभिनय करने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया किया। आपके हाथ में कोई खाने की चीज हो तो उसे छुपाना या किसी व्यक्ति को अनदेखा करना अनुचित होता है। इससे भी बुरा होता है कि आप खाते खाते किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो। अगर आपके पास कोई खाने की चीज हो तो वो अपने पड़ोसी के साथ बांटनी चाहिए। ये दर्शाता है कि आप में शिष्टता है और आप अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ खा रहे हों और हमारे आसपास बच्चे हों तो हमें पहले बच्चों को खाना देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। ये बात सभी व्यक्तियों के लिए लागू होती है, केवल बच्चों के लिए नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर हम कुछ खा रहे हों और हमारे आसपास बच्चे हों तो हमें पहले बच्चों को खाना देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। अब हम अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटने के बारे में बात करेंगे। हमने इस सत्र के शुरुआत में इसका एक उदाहरण देखा था। आपका दोस्त एक चित्र बना रहा है। चित्र में थोड़ी सी गलती हो गई है जिसे वो मिटाना चाहता है। वो अपना पेंसिल का डब्बा खोलकर देखता है कि उसमें रबड़ नहीं है। आप क्या करेंगे? आप उसे अपना रबड़ देने में हिचकिचाएंगे नहीं, है ना? अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटने का यही अर्थ है। इसी तरह आपको स्वेच्छा से अपने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ती है और अच्छे संबंध बनते हैं। साथ मिलकर कहिए, जरूरत पड़ने पर हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ती है और
अच्छे संबंध बनते हैं। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे, कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए। आपको अपने साथी को ऐसी घटनाओं के बारे में बताना है जब आपने अपनी चीज किसी के साथ बांटी थी और किसी ने अपनी चीज आपके साथ बांटी थी, फिर आपका साथी भी ऐसी घटनाओं के बारे में आपको बताएगा और आप उसकी बात सुनेंगे। ये जानकर खुशी हुई कि आप सब लोगों ने अपनी चीजें बांटने के बारे में इतनी रोचक बातें बताई। अब हम अपने अधिकार और सुविधाओं को सबके साथ बांटने के बारे में बात करेंगे। पुस्तकालय, खेल का मैदान, बस स्टैंड, बगीचे, अस्पताल इत्यादि, ये सब सार्वजनिक स्थान होते हैं। इन पर सबका अधिकार होता है और सभी लोग इनका लाभ उठाते हैं। हमें इन चीजों को निजी नहीं समझना चाहिए और दूसरों को इन जगहों का इस्तेमाल करने से रोकना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, पुस्तकालय की किताबें सभी लोगों के लिए होती हैं। किसी किताब को खुद के फायदे के लिए छुपाना नहीं चाहिए, ना ही उसे अपने पास रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने के अधिकार और सुविधा को हमें सबके साथ बांटना चाहिए। फिर से कहिए, सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने के अधिकार और सुविधा को हमें सबके साथ बांटना चाहिए। क्या आप में से एक दो छात्र ऐसी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जब किसी ने कोई सार्वजनिक सुविधा को सबके साथ बांटने से इनकार कर दिया और फिर उसकी वजह से क्या हुआ? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर लोग सार्वजनिक सुविधाओं को बांटने से मना कर दें तो इसकी वजह से झगड़े, गलतफहमी और मनमुटाव हो जाता है। कई बार इसकी वजह से लड़ाई या हिंसा भी हो जाती है और सबकी शांति भंग हो जाती है। अब हम भावनाएं बांटने के बारे में बात करेंगे। भावनाओं के सत्र में हमने सीखा था कि हमें अपनी भावनाओं को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। हम अपनी मिलनसार भावनाओं को सब लोगों के साथ बांट सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब हम मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। इन तरीकों से हम उनके साथ अपनी भावनाएं बांटते हैं। इससे दोनों लोगों को अच्छा महसूस होता है। क्या अब हम एक अभिनय करें? स्कूल का साल शुरू हुआ ही है और एक नए छात्र ने आपकी क्लास में दाखिला लिया है। वो आपकी कक्षा में पहली बार आया है और आप ठीक से उसका स्वागत करना चाहते हैं ताकि वो अच्छा महसूस करे। क्या तीन छात्र आगे आकर ये अभिनय कर सकते हैं? एक व्यक्ति नया छात्र बनेगा और बाकी दो छात्र उसका कक्षा में स्वागत करेंगे। आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। अपनी भावनाओं को बांटने का और एक तरीका है, किसी के दुख में उसका साथ देना। ये दर्शाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और दूसरे व्यक्ति को उससे हिम्मत भी मिलती है। हमें अपनी मिलनसार भावनाएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इन भावनाओं को बांटने के लिए हम दूसरों का ठीक से स्वागत कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं और
दुख के समय में उनका साथ दे सकते हैं। आइए एक बार फिर से कहें, हमें अपनी मिलनसार भावनाएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इन भावनाओं को बांटने के लिए हम दूसरों का ठीक से स्वागत कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं और दुख के समय में उनका साथ दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरों के साथ अपना समय बांटने की। समय बांटने का मतलब है दोस्तों, रिश्तेदारों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और विकलांग व्यक्तियों के लिए समय निकालना। इससे हमें भी खुशी मिलती है और उन लोगों को भी। उदाहरण के लिए, हम अपने खाली समय में बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बुजुर्गों के साथ बातें कर सकते हैं, बीमार और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, सबको अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ अपना समय बांट सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। फिर से कहिए, हम बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ अपना समय बांट सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। क्या आप में से कुछ लोग आगे आकर ये बता सकते हैं कि आपने किस तरह से दूसरों के साथ अपना समय बांटा है? धन्यवाद, आपने दूसरों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा काम किया। अब हम बात करेंगे ज्ञान बांटने की। ज्ञान बांटने का मतलब है हमें जो भी आता हो वो दूसरों को पढ़ाना या उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर उन्हें कोई कौशल सिखाना। उदाहरण के लिए, किसी को कोई खेल, चित्रकला, गायन, नृत्य आदि सिखाना। इससे सीखने वाले को तो फायदा होगा ही, साथ में आप भी उस कौशल में और निपुण हो जाएंगे। जब हम अपना ज्ञान या कौशल किसी के साथ बांटते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को नई चीजें और कौशल सीखने में मदद मिलती है। दूसरों को सिखाने से हम भी उस विषय या कौशल में और निपुण हो जाते हैं। फिर से कहिए, जब हम अपना ज्ञान या कौशल किसी के साथ बांटते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को नई चीजें और कौशल सीखने में मदद मिलती है। दूसरों को सिखाने से हम भी उस विषय या कौशल में और निपुण हो जाते हैं। अब हम जल्दी से एक और कार्यकलाप करेंगे। स्क्रीन पर आपको दो प्रश्न दिखाए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों के बारे में एक मिनट के लिए विचार करना है और फिर
अपने जवाब देने हैं। एक, अगर आपको किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार को धन्यवाद देना हो जिसने आपको कोई कौशल सिखाया था, जैसे कि साइकिल चलाना, खेल खेलना, चित्र बनाना इत्यादि, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? आप दो या तीन व्यक्तियों के नाम भी ले सकते हैं। दो, आप दूसरों को कौन सा कौशल या पढ़ाई से संबंधित बात सिखा सकते हैं? इसके बारे में सोचने के बाद कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाएं और अपने साथी को इसके बारे में बताएं। आप में से एक दो छात्र इसके बारे में कक्षा के सामने भी बता सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम देखेंगे कि हम दूसरों के साथ अवसर या मौके कैसे बांट सकते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ मेले में गए हैं। आप दोनों को उस बड़ी सी चक्री में बैठने का मन है, पर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों उसमें बैठ सकें। आपके भाई ने अपने सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए हैं। आप क्या करेंगे? एक, हम चक्री पर बैठे बिना ही घर चले जाएंगे। दो, मैं अपने भाई से कहूंगा या कहूंगी कि उसे अपने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, और फिर मैं चक्री पर बैठने चला जाऊंगा या जाऊंगी। तीन, मैं उसे चक्री पर बैठने के लिए अपने पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, और कहूंगा या कहूंगी कि मैं अगली बार सवारी कर लूंगा या कर लूंगी। ये जवाब कि मैं उससे कहूंगा या कहूंगी कि उसे अपने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे और फिर मैं चक्री पर बैठने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपनी चीजें बांटना नहीं चाहते और खुद से ही मतलब रखते हैं। ये जवाब कि हम चक्री पर बैठे बिना ही घर चले जाएंगे थोड़ा उचित है, क्योंकि आप कुछ हद तक अपनी भावनाओं को बांट रहे हैं। ये जवाब कि मैं उसे चक्री पर बैठने के लिए अपने पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, और कहूंगा या कहूंगी कि मैं अगली बार सवारी कर लूंगा या सवारी कर लूंगी, सबसे उचित लगता है। इससे आपको दुगनी खुशी मिलेगी, एक तो अपने भाई को चक्री पर बैठने का मौका देकर, और दूसरी उसके साथ अपने पैसे बांटकर। दूसरों के साथ अपने अवसर बांटना संभव है और इससे अच्छा भी लगता है। साथ मिलकर कहिए, दूसरों के साथ अपने अवसर बांटना संभव है और इससे अच्छा भी लगता है। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? किसी के साथ कुछ बांटने का मतलब है स्वेच्छा से किसी को अपनी चीज में हिस्सा देना। एक दूसरे के साथ कुछ बांटने से लोगों में अच्छाई और दया की भावना जागती है। वे सकारात्मक बातें सोचते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। हम अपना खाना, वस्तुएं, अधिकार, सुविधाएं, भावनाएं, समय, ज्ञान और अवसर दूसरों के साथ बांट सकते हैं। अगर हम कुछ खा रहे हों और हमारे आसपास बच्चे हों, तो हमें पहले बच्चों को खाना देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ती है और
अच्छे संबंध बनते हैं। सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने के अधिकार और सुविधा को हमें सबके साथ बांटना चाहिए। हमें अपनी मिलनसार भावनाएं दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। ऐसी भावनाओं को बांटने के लिए हम दूसरों का ठीक से स्वागत कर सकते हैं, उन्हें बधाई दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं और दुख के समय में उनका साथ दे सकते हैं। हम बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ अपना समय बांट सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। जब हम अपना ज्ञान या कौशल किसी के साथ बांटते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति को नई चीजें और कौशल सीखने में मदद मिलती है। दूसरों को सिखाने से हम भी उस विषय या कौशल में और निपुण हो जाते हैं। दूसरों के साथ अपने अवसर बांटना संभव है और इससे अच्छा भी लगता है। सब बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य कर लें ताकि ये अमूल्य विचार हमें हमेशा याद रहें? प्रश्न एक, आप अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे सैर करने गए हैं। सबने सोचा कि नाव में बैठकर घूमने से पहले खाना खा लिया जाए। तभी आपके एक दोस्त ने देखा कि उसके खाने का डिब्बा रास्ते में ही कहीं खो गया है। आप क्या करेंगे? एक, मैं उससे कहूंगा या कहूंगी, तुम्हें सफर के दौरान अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए था। दो, मैं उससे कहूंगा या कहूंगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, इसलिए मैं पहले खाना खा लेता हूं या खा लेती हूं। अगर मेरे खाने में से कुछ बच गया तो मैं तुम्हें भी दे दूंगी या दे दूंगा। तीन, मैं अपना आधा खाना उसे दे दूंगा या दे दूंगी। प्रश्न दो, आप एक नई गेंद लेकर आए हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। तभी आपके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा आपके पास आकर कहता है कि वो भी एक बार आपकी गेंद के साथ खेलना चाहता है। आप क्या करेंगे? एक, मैं उसे खुशी खुशी वो गेंद दे दूंगा या दे दूंगी। दो, मैं जल्दी से वो गेंद छुपा दूंगा या छुपा दूंगी और उससे कहूंगा या कहूंगी कि वो जादू से गायब हो गई। तीन, मैं उसे गेंद देने से मना कर दूंगा या कर दूंगी। प्रश्न तीन, आपके दोस्तों ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप किसी दूसरे शहर में होने वाली खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाएं। आप उस प्रतियोगिता में इनाम जीतकर वापस आए हैं। आप क्या करेंगे? एक, मैं तुरंत अपने दोस्तों से मिलकर अपनी खुशी उनके साथ बांटूंगा या बांटूंगी। दो, मैं इंतजार करूंगा या करूंगी कि मेरे दोस्त बधाई देने के लिए मुझसे मिलने आए। तीन, मैं अपने दोस्तों से मिलने के मौके का इंतजार करूंगा या करूंगी और फिर उन्हें इस बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? हमेशा की तरह क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले आज का गीत गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए।
खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय परख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय परख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्देखोल के खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे विचार चमकते रहे रीति रिवाज अच्छी तरह नाच गाना खुशी से मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो। रिश्ते बनते रहे विचार चमकते रहे रीति रिवाज अच्छी तरह नाच गाना खुशी से मान मर्यादा से खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। नमस्ते छात्रों, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? इस प्रश्न के लिए कि आप अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे सैर करने गए हैं, सबने सोचा कि नाव में बैठकर घूमने से पहले खाना खा लिया जाए। तभी आपके एक दोस्त ने देखा कि उसके खाने का डिब्बा रास्ते में ही कहीं खो गया है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब कि मैं उससे कहूंगा या कहूंगी तुम्हें सफर के दौरान अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए था, और ये जवाब कि मैं उससे कहूंगा या कहूंगी मुझे तो बहुत भूख लग रही है इसलिए मैं पहले खाना खा लेता हूं या लेती हूं, अगर मेरे खाने में से कुछ बच गया तो मैं तुम्हें भी दे दूंगा या दे दूंगी उचित नहीं है, क्योंकि आप स्वेच्छा से अपना भोजन उसके साथ नहीं बांटना चाहते। मैं अपना आधा खाना उसे दे दूंगा या दे दूंगी उचित जवाब है, क्योंकि आप स्वेच्छा से अपना खाना उसके साथ बांटना चाहते हैं और जरूरत के समय में उसकी मदद करना चाहते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप सच्चे मन से अपना आधा खाना उसके लिए त्याग रहे हैं। आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए कि आप एक नई गेंद लेकर आए हैं और उसके साथ खेल रहे हैं, तभी आपके पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा आपके पास आकर कहता है कि वो भी एक बार आपकी गेंद के साथ खेलना चाहता है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब कि मैं जल्दी से वो गेंद छुपा दूंगा या छुपा दूंगी और उससे कहूंगा या कहूंगी कि वो जादू से गायब हो गई है, और ये जवाब कि मैं उसे गेंद देने से मना कर दूंगा या मना कर दूंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि
कि आप अपनी वस्तुएं किसी के साथ बांटना नहीं चाहते? उचित जवाब है कि मैं उसे खुशी खुशी वो गेंद दे दूंगा या दे दूंगी, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप खुशी से अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? तीसरे प्रश्न के लिए कि आपके दोस्तों ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप किसी दूसरे शहर में होने वाली खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जाएं। आप उस प्रतियोगिता में इनाम जीतकर वापस आए हैं, आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के मौके का इंतजार करूंगा या करूंगी और फिर उन्हें इस बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, उचित नहीं है, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांटना तो चाहते हैं पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते। ये जवाब कि मैं इंतजार करूंगा करूंगी कि मेरे दोस्त बधाई देने के लिए मुझसे मिलने आए, भी उचित नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुशी उनके साथ बांटना तो चाहते हैं पर ये उम्मीद रखते हैं कि पहले वे आपसे मिलने आए। इससे ये भी संकेत मिलता है कि आपको इनाम जीतने का घमंड है। उचित जवाब है मैं तुरंत अपने दोस्तों से मिलकर अपनी खुशी उनके साथ बांटूंगा बांटूंगी, क्योंकि आप दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका जवाब क्या है? अगर आपके सारे जवाब सही थे तो ये बहुत बढ़िया बात है। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?